फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ किचन बाय दीपाली। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की फेमस मूंग की दाल की पकौड़ी की रेसिपी। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत क्रिस्पी होती है और आप राजस्थान अगर घूमने जाएं तो आपको ये बहुत जगह पे मिल जाएगी आपको खाने के लिए। इवन मैं भी उदयपुर गई थी तो मैंने भी नाथद्वार में खाई थी, बहुत टेस्टी होती है। तो आज हम वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं, तो आप उसके हिसाब से अगर इसको बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी आपकी पकौड़ियाँ बनेंगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और अपना फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं मूंग की दाल की पकौड़ी की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं राजस्थान के फेमस मूंग की दाल की पकौड़ी। उसके लिए हमने लिया है एक कटोरी मूंग धुली दाल, आप चाहो तो मूंग छिलका दाल भी ले सकते हो, और हमने उसमें हम डाल रहे हैं एक टेबल स्पून चने की दाल, और इनको हम आपस में अच्छी तरह मिक्स करके 3-4 में साफ पानी से हम इसको धो लेते हैं। हमने दाल को 3-4 बार पानी से धो दिया है। अब हम इसमें पानी डाल के इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए हम भीगने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारी दाल भीग जाएगी हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। 2.5 से 3 घंटे बाद हमारी दाल भीग गई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा, साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हींग और 1 टेबलस्पून इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम थोड़ा पीस लेंगे। हमारी दाल पीस गई है और हमने इसे बहुत महीन नहीं पीसा है, थोड़ा सा इसको हमने दरदरा ही रखा है। अब इसे हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। इसमें और हम क्या क्या ऐड करेंगे, इसमें मैं डालूंगी 3 बॉइल्ड पोटैटो हैं जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्चें, सॉल्ट एज पर टेस्ट, साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च लिया है, आप अपने हिसाब से स्पाइसी रख सकते हो क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करी है। साथ में मैं डालूंगी इसके अंदर बिल्कुल चुटकी भर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, साथ में हम डालेंगे इसमें क्रश धनिया, हींग और अदरक हमने पहले ऐड कर दी थी, इसे हम आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमारा पकौड़ियों का बैटर बिल्कुल बनके तैयार है। फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल राजस्थानी मूंग की दाल की पकौड़ी है और क्विक रेसिपी है। हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। इसके साथ हम सर्व करने के लिए एक धनिया पुदीने की बहुत टेस्टी सी चटनी बना लेते हैं। फ्रेंड, धनिया पुदीना और आंबी की चटनी के लिए मैंने 1 कप धनिया लिया है जिसे रफली चॉप कर लिया है, फ्रेश पुदीना है तो 1 कप धनिया लिया है हमने, तो 1/2 कप पुदीना लिया है, इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ये हमने लिए 1/4 कप कैरी कच्चा आम, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे, पकौड़ी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में हम डालेंगे हींग, ये हम ले रहे हैं 1/4 टीस्पून, साथ में हम ले रहे हैं 1/4 टीस्पून काला नमक, जीरा है हमारा 1/4 टीस्पून, सॉल्ट है 1/4 टीस्पून क्योंकि हमने 1/4 टीस्पून ही काला नमक लिया है, साथ में मैंने ली है 2 हरी मिर्च और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी और इसे हम पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी चटनी भी पीस के बिल्कुल तैयार हो गई है, इसे एक हम बर्तन में खाली कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू भी पुदीने की और कच्ची कैरी की बहुत अच्छी आ रही है। इन मूंग की दाल की पकौड़ियों के साथ इस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छी
हमारी धनिया पुदीने की चटनी बनके तैयार हुई है। अब हम कढ़ाई में तेल रख देते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं तेल डाल दूंगी और तेल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब हम पकौड़ी उतारना स्टार्ट करते हैं। पकौड़ियों को हम हाथ से ही उतारेंगे, इस तरह से हम साइज इसका मीडियम ही रखेंगे क्योंकि ये ना बहुत छोटी होती हैं और ना ज्यादा बड़े साइज की होती हैं। इसे हम धीरे से पलटेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे हाफ फ्राई करके ही उतार देंगे, फिर हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल इसको स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं। जैसे ये हाफ कुक हो जाएगी हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ये हाफ कुक हो गई है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम बाद में दोबारा फ्राई करेंगे, उसे बहुत खस्ता बनेंगी। हम हाफ कुक पकौड़ियों को दोबारा से फ्राई कर लेंगे। अब हमें फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है क्योंकि हमने इसको पहले कुक कर लिया है। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमारी पकौड़ियां बहुत अंदर से खस्ता बनेंगी। इन पकौड़ियों को ये सिक गई हैं, अभी हम बाहर निकाल लेते हैं। और हम बाकी की पकौड़ी भी सेक लेंगे। इसे भी हम क्रिस्पी ब्राउन कर लेंगे। हमारी सारी पकौड़ियां बनके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी राजस्थान की फेमस मूंग की दाल की पकौड़ी बिल्कुल बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने इस तरह से एक न्यूज़पेपर लिया है, हमने इसको स्ट्रीट स्टाइल बनाया है तो हम इसको सर्व भी उसी तरह से ही करेंगे। इस तरह से हम इसे एक न्यूज़पेपर या आप कोई डोना भी ले सकते हो, उसमें खाने का अलग ही मज़ा आता है। और साथ में मैं इसके करूंगी ग्रीन चिली, टूथपिक लगाएंगे हम और इसे हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी से। तो फ्रेंड्स, हमारी मूंग की दाल की पकौड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।